हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपेंट के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 20 जून और 20 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे आने वाले सही परीक्षा एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो या नेवी हो एयरफोर्स, सभी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम परीक्षा हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप आंसर करेंगे। और सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में जुड़े ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी जगह पर शेयर कर दीजिए। फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन आज का टॉपिक का डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि किस पर्यावरण संगठन ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। तो कौन संगठन ने यह पुरस्कार जीता है, इसका आंसर करेंगे फटाफट से। इसका जो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, फैमिलियर फॉरेस्ट्री क्या इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। जो राजस्थान जो फैमिलियर फॉरेस्ट्री क्या दिया है, ये अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें एक अनूठी अवधारणा इस प्रकार की है कि जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ क्या है जोड़ती है, जिससे क्या है कि हर एक परिवार का जो पेड़ क्या हो जाता है, सदस्य हो जाता है। तो इस प्रकार की अनूठी धारणा भी इसमें बनी हुई है। तो इसका ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड दिए गए वो एक बार देख लेते हैं। जो एशिया का जो पर्यावरण परिवर्तन अवार्ड दिया गया, किनको दिया है, सस्मिता लंका को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको दिया गया है, अनामिका को दिया गया है। टाइम्स ऑफ द पर्सन 2020 जो किसने चुना गया है, तो जो बाइडन और कमला हैरिस को क्या है चुना गया है। नेक्स्ट हमारा भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति जिसे 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया, तो किनको, तोहिरा कुतुबुद्दीन को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का अवार्ड किनको दिया गया है, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को क्या है ये अवार्ड दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हो गया है, तो किस देश से बिलोंग करते हैं, सेकेंड का आंसर कहीं से फटाफट से। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर, किस से बिलोंग करते थे, जाम्बिया से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने क्या है 1964 से लेके 1991 तक, यानी कि 27 वर्ष तक क्या रहे, ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। और जाम्बिया कब आज़ाद हुआ था, तो ये ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन का ये गुलाम था, तो ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था, तो ये 1964 में आज़ाद हुआ था। अक्टूबर 1964 में क्या हुआ था, ये ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, जो जाम्बिया की जो राजधानी है कौन सी, लुसाका क्या है इसकी राजधानी है। अगर मुद्रा की बात की जाए जाम्बिया की, तो है जाम्बियाई कवाचा क्या है यहाँ की मुद्रा है। तो जिस देश की बात की जाती है उसमें से वहाँ की जो राजधानी पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो पूछे जा सकते हैं, या फिर वहाँ की मुद्रा पूछी जा सकती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। साथ में जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो कौन है, तो एडगर लुंगू क्या है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को वैध कर दिया है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया था किस देश ने इसको वैध कर दिया है, तो इसने जो अल सल्वाडोर क्या है एक देश है, उसने क्या कहते हैं इसको वैध कर दिया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने, नफ्ताली बेनेट क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री। और नए राष्ट्रपति कौन बने, इसाक हर्जोग क्या है वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी साथियों। जितने भी साथियों जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए हर एग्ज़ाम संबंधित टॉपिक वाइज या क्विज चाहिए, तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.nokriexpent वेबसाइट है, उस पर जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर हर एपी से संबंधित पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तीन का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है 43 क्या इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इंपोर्टेंट सूचकांक और देख लेते हैं। जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन स्थान प्राप्त हुआ है, तो 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021 का जो स्थान, इसमें कौन स्थान प्राप्त हुआ है, तो 63वां हुआ है। और ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में भारत को इसमें कौन स्थान हुआ है, 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको आसानी से इनको प्रिपेयर कर सके, आसानी से आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा,
विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस, फटाफट से आंसर करेंगे। और जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर है, 20 जून क्या इसका राइट आंसर है। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज एक बार देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो विश्व जो टीकाकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व होम्योपैथिक 10 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डे से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की, तो कौन से देश ने ये घोषणा की है इसका आंसर करेंगे। और जिन साथियों को PDF मिलती नहीं है, PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर, जापान क्या इसका राइट आंसर है। अब जापान की जो राजधानी है उसकी बात कर लेते हैं, तो जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो वहाँ की राजधानी। अगर मुद्रा की बात की जाए तो कौन सी मुद्रा, तो येन वहाँ की क्या है मुद्रा है। अगर जापान के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन है, योशिहिदे सुगा क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री है। अगर जापान के राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है, शिंजो अबे क्या है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये किसी भी देश के ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा, भारतीय मूल के किस अमेरिकी रसायनज्ञ को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड दिया गया है, तो 2021 का जो अवार्ड दिया गया है, तो 6 करेक्ट आंसर करेंगे, किसको दिया गया है ये अवार्ड, तो करेक्ट क्वेश्चन 6 किया है इसका आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर, सुमित्र मित्र क्या है इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखें तो क्या है, तो देखिए जो हाल ही में जो सियोल शांति जो पुरस्कार है वो किनको दिया गया है, तो ये थॉमस बॉक को ये पुरस्कार दिया गया है। किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 दिया गया है, तो किनको दिया है, तो CNR राव को ये अवार्ड दिया गया है। किसे वॉन कर्मन अवार्ड दिया गया, तो किनको दिया है, तो K सिवान को यह अवार्ड दिया गया है। किसे प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दिया गया है, तो किनको यह अवार्ड दिया गया है, तो ये अमर्त्य सेन को ये अवार्ड दिया गया है। इन्हें समय किसे अंतर्राष्ट्रीय डब्ल्यू साहित्य पुरस्कार से दिया गया है, तो किसे दिया गया है, तो ये बेलेरिया लुई शैली को यह अवार्ड दिया गया है, बेलेरिया लुई शैली को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाल ही में जारी अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉनिटरी कंसल्टेंट के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सूची में कौन शीर्ष पर है, तो इसमें कौन शीर्ष पर है इस पर कमेंट करके आंसर कीजिए। तो 7 का जो राइट आंसर क्या आएगा, कौन है इसमें सबसे लोकप्रिय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या है इसमें सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में टॉप पर रहे हैं। तो इनकी जो लोकप्रियता है उसमें क्या कितना मिला, तो इनको 100 में से इनकी लोकप्रियता के लिए कितने परसेंट मिले हैं, 66% के साथ क्या रहे हैं टॉप पर रहे हैं। लॉकडाउन में जो इतना अच्छे से कवर किया इन्होंने, तो उसके कारण इनको क्या है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से इनको चुना गया, तो फर्स्ट नंबर पे क्या रही इनकी 66 अंकों के साथ फर्स्ट नंबर पे पोजीशन रही है इनकी। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो किसे टाइम्स किड ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है, तो गीतांजलि राव क्या है इसका आंसर होगा। ऑक्सफोर्ड में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, तो किसे आत्मनिर्भरता, क्योंकि बार बार इसको दोहराया गया, तो आत्मनिर्भरता वर्ड को क्या हुआ है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर में इसको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, कुरान को सबसे पहले गोंजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया है, तो किस विद्वान का निधन हो गया इसका आंसर करेंगे फटाफट से सभी साथी। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जब व्हाट्सएप में जुड़े होते हैं बस शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, मुफ्ती फेज अल उल वहीद क्या है इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना था, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 19 जून करंट अफेयर क्वेश्चन ये है कि PM मोदी द्वारा
किस शहर में आयोजित बीबीटेक पांचवें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है? तो किस, तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन ए क्या था इसका करेक्ट आंसर, पेरिस क्या था इसका राइट आंसर था। तो ये आप सभी को आंसर करना था। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या है, भारत सरकार ने किसे भारत के WTO मिशन के में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसको आप कमेंट के माध्यम से हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो चाहे आपको आए या चाहे आपको नहीं आए या आपने सुना हो, अब वो गैस करना है। जिनको आए उनको बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं पता है तो वो यहाँ से एक बार देखेंगे, सर्च करेंगे, कल की वीडियो पढ़े, कल की वीडियो को एक बार देखेंगे, वहाँ से इसका आंसर पता चल जाएगा। और जिनको पता है वो आंसर करेंगे, जिनको नहीं पता वो एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर पता चल जाए तो वो आंसर करना। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपर होगा, और आपका जो करंट अफेयर का में उस रिव्यू होगा और पता चल जाएगा आपका जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात सुनी सभी, यदि जितने भी साथी है जो किसी भी संबंधित PDF के में डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप हमारे सोशल साइट से हमें जुड़ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और आपको PDF नहीं मिल रहा है करंट अफेयर का, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है ये वाली www.nocorrespondent.com, इस पर विजिट करके आप डेली करंट अफेयर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, उससे आपका जो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो करंट अफेयर आप देखे हैं पढ़ रहे हैं उससे आपका लेवल कहाँ तक इम्प्रूव हुआ और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप पीछे तक की जो भी करंट अफेयर की जो है वो आप देख लीजिए, बारी बारी से उनको देख लीजिए, ठीक है। तो सभी साथी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और एक जगह वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।